Hello dear children, today we will start worksheet 3 of unit 8 and its first question is find the sum. So its first part 2 hours 10 minutes and 3 hours 25 minutes. We have to add these, okay? So let's arrange these 2 hours and then minutes. 2 hours 10 minutes. 3 hours 25 minutes. Okay, then we will start adding from minute side. 5 plus 0, 5. 2 plus 1, 3. 3 plus 2, 5. So the answer is 5 hours 35 minutes. Okay, B part. 4 hours 5 minutes. 4 hours 5 minutes. Ab 5 bete apne yahan nahi likhte na. 5 is in 1's place. So, 5 ko kis tarah se likhoge aap? 0, 5. Okay? 4 hours, 5 minutes and 5 hours, 45 minutes. 5 plus 5, 10, 0. 1 carry over. 4 plus 0, 4. Plus 1, 5. 4 plus 5, 9. So, the answer is 9 hours, 50 minutes. Okay? तो ये हमने 2 पार्ट्स किए प्लस के टोटल इस क्वेश्चन में है आपके पास 6 पार्ट्स. देयर आर 6 पार्ट इन दिस फर्स्ट क्वेश्चन. ओके, सो वी विल डू ओनली 4 आउट ऑफ दीज 6 पार्ट्स. हम इन 6 में से सिर्फ 4 पार्ट्स को करेंगे. जो 2 पार्ट्स हैं वो आपने अपने रफ नोटबुक में प्रैक्टिस के लिए कर लेने हैं, बट फेयर में हम लोग 4 ही पार्ट्स करेंगे. ओके बेटे, तो आपने समझना है किस तरह से. मैम ये तो सिंपल एडिशन आ गया 2 पार्ट्स में. अब थोड़ा सा चेंज जो आएगा टाइम की एडिशन में वो आपने अब ध्यान से समझना है बेटा. ओके, ई और एफ पार्ट मैम अभी आपको करवाएंगे. ओके, सो द ई पार्ट इज 3 आवर्स 50 मिनट्स एंड 5 आवर्स 50 मिनट्स. 3 आवर्स 50 मिनट्स, 5 आवर्स 50 मिनट्स. लेट्स एड 0 प्लस 0, 0. 5 प्लस 5, 10. अब ये देखो, आप बोलोगे मैम ने 1 यहां कैरी ओवर क्यों नहीं दिया? बिकॉज दीज आर मिनट्स एंड दीज आर आवर्स. अब मिनट्स, अब जैसे हमने लेंथ वेट कैपेसिटी किया, ठीक है, उसमें क्या रिलेशन होता था बेटा? 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर. 1000 मीटर होता था, तो अगर यहाँ पे 1000 या मोर देन 1000 होता था वो कैरी ओवर यहाँ चला जाता था. बट यहाँ 1000 या 100 का रिलेशन नहीं है आवर्स और मिनट्स में. यहाँ आवर्स और मिनट का क्या रिलेशन है बेटा, ये आपने टॉप पे लिख लेना है. 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट्स. ओके, 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं, तो ये कैरी ओवर यहां नहीं जाएगा. यहां मिनट्स अलग से ऐड होंगे और आवर्स अलग से ऐड होंगे. ओके, 0 प्लस 0, 0. 5 प्लस 5, 10. ये बात आपने ध्यान से समझनी है, ये नई चीज है आपके लिए टाइम की एडिशन. ओके, सो ये बन गए 100 मिनट्स और यहां हो गया 5 प्लस 3, 8. अभी ये क्वेश्चन यहीं पे फिनिश नहीं होगा बेटा. ये आए आपके पास 8 आवर्स और 100 मिनट्स. अब हमें पता है 60 मिनट्स, 60 मिनट्स मींस 1 आवर, तो ये तो 60 से ज्यादा हो गया है. ठीक है, तो यहां पे आपने यहां ध्यान देना है कि जब यहां पे मिनट्स 60 या मोर देन 60 हो जाए, 60 मिनट्स आ जाए यहां पे या फिर 60 से ज्यादा आ जाए, तो आपने उन मिनट्स को यहां पे एनसर्कल कर लेना है. ओके बेटा, तो मैंने यहां पे इनको एनसर्कल कर लिया है. क्योंकि ये क्यों किया मैम ने एनसर्कल? बिकॉज 100 मिनट्स आर मोर देन 60. ओके, 60 से ज्यादा है, तो इसे हम आवर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं. तो किस तरह से कन्वर्ट करना है ये प्रोसेस देखो. यहां 60 से कम था मिनट, यहां 60 से कम था, तो मैंने ये प्रोसेस यहां यूज नहीं किया. ओके, तो यहां पे ये चीज यूज होगी बिकॉज हियर मिनट्स आर मोर देन 60. तो यहां मैं क्या करूंगी, 100 मिनट्स को 60 से डिवाइड करना है मुझे. ओके, 60. अब आप बोलोगे 60 से कैसे डिवाइड करेंगे, तो उसके लिए 6 का टेबल आना चाहिए आपको. ओके, और साथ में 10 लगा देंगे. 6 वन जा 6, 6 टू जा 12, है ना. 6 टू जा 12 मीन्स 120, तो 120 तो ज्यादा हो जाएगा. सो 60 वन जा
60, 0, 10 माइनस 6, 4. ओके, शॉर्ट मेथड है डिवाइड करने का. 6 का टेबल आना चाहिए आपको. ओके, 61 जा 60, 62 जा 120, 62 जा 12 होता है ना, तो 120 हो जाएगा. तो क्या सूट करेगा इसको, 61 जा 60. तो ये जो ऊपर आएगा कोशेंट, ये होते हैं आर्स, और ये 40 क्या है आपके पास, मिनट्स. ओके, मैंने ये 100 मिनट्स को ब्रेक कर दिया है. इन 100 मिनट्स में 1 आर है और 40 मिनट्स हैं. ओके, तो अब आपके पास जो 1 आर है वो किस में ऐड हो जाएगा, 8 आर्स में. 8 आर्स अब क्या बन गए, जब इसमें प्लस 1 आर किया ये बन गए 9 आर्स, और मिनट्स कितने रह गए, 40 मिनट्स. ओके, तो ये जब 60 या मोर देन 60 होगा बेटा, तो आपने क्या करना है, उसे ब्रेक कर देना है बाय डिवाइडिंग द नंबर विद 60. 60 से डिवाइड करोगे तो आपके पास जो कोशेंट होगा वो आर्स होंगे, और जो रिमाइंडर रहेगा वो मिनट्स होंगे. तो क्या होगा, जो आर्स होंगे वो आर्स में ऐड हो जाएंगे और मिनट्स एज इट इज आ जाएंगे. ये चीज आपने प्रैक्टिस करनी है. यहां फोकस करना है कि किस तरह से मैम ने समझाया है, तो ये वीडियो बार बार देख के इसको समझना है किस तरह से मैम ने ये क्वेश्चन आपको समझाया है. ओके बेटा, सो द आंसर इज 9 आवर्स 40 मिनट. नाउ एफ पार्ट इज 5 आवर्स 15 मिनट्स एंड 5 आवर्स 55 मिनट्स. ओके, 5 आवर्स 15 मिनट्स, 5 आवर्स 55 मिनट्स. 5 प्लस 5 10, जैसे मैम ने आपको बोला है मिनट्स और मिनट्स को प्लस करना है. 5 प्लस 5 10, 0, 1 कैरी ओवर. 5 प्लस 1 6 प्लस 1 7, 5 प्लस 5 10. ओके, ये आगे हमारे पास 10 आवर्स हैं और 70 मिनट्स हैं. अब जैसे मैम ने आपको पहले बताया कि अगर आपके मिनट्स 60 से कम है, लेस देन 60 है, तो आपका आंसर वहीं पे रुक जाएगा, वही आपका आंसर होगा. बट इफ द मिनट्स आर मोर देन 60, 60 और मोर देन 60, यहां मिनट्स की जगह पे अगर 60 आता है या फिर मोर देन 60 आता है, तो आप उसे एनसर्कल कर लोगे कि यहां पे अभी हमें थोड़ा सा काम करना है, इसे हमें ब्रेक करना है, इसको आर्स में कन्वर्ट करना है. ओके बेटा, तो किस तरह से कन्वर्ट करेंगे, वी विल डिवाइड 70 मिनट्स विथ 60. अब 60 का टेबल हमें आता है, अगर हमें 6 का टेबल आता है तो 60 का भी आता है, उसमें जीरो लगा देंगे हम. ओके, 61 जा 60, 62 जा 62 जा 12, सो 62 जा 120. अब 120 तो ज्यादा हो जाएगा, सो 61 जा 60, 0 एंड 1. तो ये क्या आया बेटे मेरे पास, 1 आर है और 10 मिनट्स हैं. मैंने कर दिया ब्रेक, ठीक है, 70 मिनट्स को. अब इसमें 1 आर जो है वो 10 आवर्स में प्लस हो जाएगा, तो ये बन जाएंगे 11 आवर्स, और मिनट्स एज इट इज 10 मिनट्स आ जाएंगे. सो दिस इज द आंसर, 11 आवर्स 10 मिनट्स. ओके, तो ये हो गया आपका एफ पार्ट. तो इस तरह से जो आपका बेटा सी और डी पार्ट रहता है, ये भी आपने रफ नोटबुक में प्रैक्टिस जरूर करनी है. जितने इस तरह के सम्स की प्रैक्टिस करोगे उतने अच्छे से आपको ये सम्स क्लियर होंगे. ओके बेटे, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट टाइम विल इट बी. अब हमें टाइम बताना है कि 2 आवर्स आफ्टर 3:30 AM, सुबह के 3 बजे, 3:30 बजे, 3:30 AM के बाद, आफ्टर 2 आवर्स के बाद क्या टाइम होगा. 3:30 है टाइम, उसके आफ्टर 2 आवर्स क्या टाइम होगा बेटा, तो 2 प्लस हो जाएंगे. तो इसके लिए हमें एक बात ध्यान में रखनी है बच्चे, कि आफ्टर मीन्स प्लस. जब आपको क्वेश्चन में आफ्टर आता है मीन्स यू हैव टू ऐड, यू हैव टू ऐड. ओके, तो 3 आवर्स 30 मिनट्स लिखा मैंने और प्लस उसमें 2 आवर्स कर दिए, तो क्या हुआ, 5:30 क्या टाइम बना, 5:30, और एएम था तो आंसर भी क्या आएगा, 5:30. 3:30 था सुबह का और 2 आवर्स के बाद 5:30 हुए, तो वो भी किस में रहेंगे, एएम. सो दिस इज द आंसर ऑफ ए पार्ट. इस तरह से आपने प्लस करना है. ओके बेटा, देन बी पार्ट, 3 आवर्स एंड दीज आर मिनट्स, 3 आवर्स 10 मिनट्स
आफ्टर 125। अब इसको प्लस करते हैं, आफ्टर है मीन्स प्लस करना है हमें। 5, 2 + 1 = 3, 3 + 1 = 4, तो टाइम आया 4:35। 3 hours 10 minutes आफ्टर 1:25 AM है सुबह के, और 3 hours 10 minutes के बाद क्या हुआ, 4:35 ये भी AM रहेंगे। ओके बेटा, नेक्स्ट इज सी पार्ट। 5 hours after 7:10 AM आवर्स एंड मिनट्स 7:10 एंड आफ्टर 5 hours मिनट्स नहीं है, 00 minutes। ओके, प्लस करना है ना, तो हम किसी भी टाइम को पहले लिख सकते हैं। तो क्या है, 0, 1 + 0 = 1, 7 + 5 = 12। अब यहां देखना ध्यान से, सुबह के 7:10 हुए थे, 7:10, और 5 hours के बाद क्या टाइम आया, 12:10। अब आपको पता है 12 के बाद, 12 बजे के बाद क्या शुरू हो जाता है, PM। तो यहाँ पे AM जो है वो किस में कन्वर्ट हो गया, PM, क्योंकि अब टाइम हो गया 12:10, 12 बजे के बाद का टाइम। ओके, डी पार्ट आफ्टर 12 क्या हो जाता है बेटा, PM। तो ये चीज ध्यान में रखनी है आपने। अब है 4 hours 25 minutes आफ्टर 7:30 AM। आफ्टर है मीन्स प्लस करना होगा, 5, 3 + 2 = 5, 11:55, और अभी 12 नहीं हुए, तो ये क्या रहा, AM। ओके, तो ये बेटे हमने 4 parts ये मैम ने आपको करवा दिए, और इसके भी मैम ने आपको एडिशन के 4 parts करवाए, बट ये 2 parts आप रफ नोटबुक में पक्का प्रैक्टिस करना बेटा, तभी आपको ये अच्छे से समझ में आएंगे सम्स एडिशन के। ओके, तो इस तरह से आपने वर्कशीट 3 अपनी मैथ्स नोटबुक में कंप्लीट कर लेनी है, 4 sums फर्स्ट क्वेश्चन के और 4 second part के। तो ये आपने सारा वर्कशीट 3 का कंप्लीट कर लेना है अपनी मैथ्स की फेयर नोटबुक में इन गुड हैंड राइटिंग। ओके, थैंक यू एंड टेक केयर, बाय बाय।